वेलकम टू विजन पॉइंट एन आई ओ एस आई एम अंजलि मालविया योर इंग्लिश एक्सपर्ट तो यस आज होगा हमारा चैप्टर नंबर टू हमारे इस सिलेबस का जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है शायद आपने इसके बारे में आ, कहानियों में किस्सों में सुना होगा तो हमारी जो आज की स्टोरी है वो है हमारा जो लेसन है वो है हाउ द स्क्वेरल गॉट हिज यस जो स्क्रल है गिलहरी तो हमारी जो स्टोरी है उनके ऊपर है गिलहरी के ऊपर है और रामायण से ली गई है एक स्टोरी ये ठीक है आ, ये हमारा लेसन टू है अगेन ये लेसन इसलिए है क्योंकि इससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है कुछ सीखने को मिलेगा तो ये क्या सीखने को मिलेगा ये हम चैप्टर के एंड में देखेंगे तो एंड तक बने रहिएगा तो ये ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो यहाँ पे ये जो आप पिक्चर देख रहे हो तो इससे शायद आप कुछ आइडिया हो जाए कि हम इस चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं और ये जो स्टोरी है ये किससे रिलेटेड होगी ओके okay, सो so हम यहाँ पे बात करेंगे राम सेतु की ठीक है राम सेतु एक ब्रिज था जिसको राम जी और उनकी सेना ने मिलकर बनाया था उसको तैयार किया था एक सेतु इस तरह से समुद्र के ऊपर से एक ब्रिज तैयार किया था जिसके थ्रू ये राम जी उनकी जो सारी सेना थी वो पहुंची थी लंका तक राइट right? क्यों पहुंची थी लंका तक क्योंकि सीता जी वहां पे थी रावण ने उनको किडनैप किया हुआ था एंड ये जो सेतु ये जो ब्रिज बन रहा था तो सारे जो वानर थे जो मंकी थे क्योंकि राम जी की जो सेना थी वो वानरों की सेना थी तो वो सब मिलके तैयार कर रहे थे तो ये जो वानर थे इनके साथ साथ एक गिलहरी ओके जो ये प्यारी सी छोटी सी गिलहरी है वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही थी ओके और कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही थी मतलब वो इस ब्रिज बनाने में हेल्प कर रही थी उनकी सो so, जो मंकीज थे उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाया इस का कि अरे आप इतनी छोटी सी हो इतना आप छोटे छोटे पत्थरों से क्या आप क्या पूरा इतना ब्रिज तैयार कर लोगे आपके पास कितनी ताकत ही है तो ये जो स्टोरी है ये इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से जो ये हमारी स्क्विरल है ये गिलहरी है इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने हेल्प ये करती रही और इसको अप्रिसिएशन भी मिला रामचंद्र जी से ओके okay, सो so ये पूरी स्टोरी इस पे हमारी जो रामायण की एक टेल है उस पर आधारित है चलो तो दिस स्टोरी इज वन ऑफ द मेनी स्टोरीज रेफर्ड टू इन दी रामायण यस जो रामायण है उसमें काफी सारी स्टोरीज हैं तो उनमें से एक स्टोरी हमने ली हुई है सो दी ट्राइज टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड स्ट्राइप्स ऑन दी बॉडी ऑफ ए स्क्रल यस ये जो लहरी की बॉडी है उसका शरीर है उसमें हमें तीन धारियाँ मिलती हैं ठीक है स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ ओके तो उसकी बॉडी में हमें तीन ही जो धारियाँ मिलती हैं तो ये रीजन क्या है इस धारी होने का इसके पीछे ये स्टोरी है इट ऑल्सो इम्पोसाइजेज द डिग्निटी ऑफ लेबर द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट इन सम वे यस तो ये जो स्टोरी है जो मेन लेसन uh, uh, है इस स्टोरी का ये क्या है कि लेबर जो हार्डवर्क होता है ठीक है उस पर इम्फेसाइज करती है उस पर थोड़ी रोशनी डालती है कि यस हार्डवर्क अगर आप करेंगे मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं टीम वर्क यस टीम वर्क का मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ सिंगल टारगेट जैसे आ, कुछ लोगों का समूह जो एक सिंगल चीजों पे काम कर रहा है राइट एक टीम बना के काम कर रहा है और उसका जो मेन फोकस है वो उसी काम पे है टीम वर्क राइट टीम स्पिरिट इसको कहते हैं और छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन भी उस काम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है सो so, ये था मेन हमारा जो स्टोरी है उसके बिहाइंड द सीन आप कह सकते हो ठीक है सो लेट अस रीड द टेक्स्ट। अब हम चलो उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं बेसिकली स्टोरी को पढ़ते हैं सो राम आस्ट हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर अ सी सो यस राम ने अपनी आर्मी से बोला और आर्मी किसकी थी उनकी वानरों की सेना थी राइट आर्मी मतलब सेना और रामचंद्र जी की जो सेना थी वो किसकी थी वानरों की थी बंदरों की थी सो वर्क बिगैन एट वन अ स्टोन ब्रिज यस तो काम शुरू हो गया और उन्होंने स्टोन ब्रिज पत्थरों का ब्रिज बनाने की सोची उट द मंकीज पुल्ड आउट द रॉक एंड एंडी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड कैरीड टू द सी यस तो जो मंकीज थे जो वानर थे बंदर थे उन्होंने क्या किया जो रॉक्स uh, थी माउंटेन्स जो बड़े बड़े इतने विशाल पर्वत थे माउंटेन्स पर्वत राइट right? वहां से जो भारी भारी जो स्टोन्स है उसको उठाया और अपने काम पे वो लग गए ब्रिज बनाने के काम पे दे कट डेम इन शेप एंड बिगेन टू बिल्ड द ब्रिज यस फिर उन्होंने उसको काटना शुरू किया एक पर्टिकुलर शेप में ताकि वो एक ब्रिज प्रॉपरली उसको फॉर्म कर सकें ऑल दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट वर्क एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम यस और ये जो काम है ये बहुत डिफिकल्ट काम था क्यों काम डिफिकल्ट था क्योंकि एक तो स्टोन बहुत भारी भारी थे राइट right? पत्थर इतने भारी फिर माउंटेन से तोड़ के लेके आना वहां तक पहुंचना फिर उसको प्रॉपरली शेप देना उस पत्थरों को ताकि एक पूरा ब्रिज बन पाए सेतु बन पाए राइट right? तो ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट मतलब मुश्किल ओके सो डिफिकल्ट का मतलब यस yes, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल काम था देन थाउजेंड्स ऑफ मंकी की वर्क नाइट एंड डे हजारों वंदरों ने ओके okay, हजारों वानरों ने दिन रात काम किया राम फेल्ट हैप्पी राम को बहुत खुशी हुई क्योंकि उनका ये डेडिकेशन देख करके जो मंकीज थे वो इतनी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे पूरा एकदम लगाव उसमें लगा दिया था उन्होंने अपनी सारी मेहनत लगा दी थी उस काम को करने में तो राम बहुत खुश हुए सो हाउ हार्ड दे वर्क दे लव फॉर मी मेक्स मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस थॉट राम तो राम ने सोचा कि हाउ हार्ड दे वो कितना मुश्किल काम ये कर रहे हैं और इनका जो प्यार है मेरे प्रति ओके okay, इसी वजह से ये इतना मेहनत वाला काम कर रहे हैं बिना थके हुए बिना रुके हुए ठीक है सो वन डे राम सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वेर यस फिर एक दिन राम ने एक छोटी सी गिलहरी को देखा ब्राउन कलर की थी ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन दीसोर विध लिटिल पेबल पेबल्स इन और उन्होंने देखा वो जो गिलहरी थी वो बार बार ऊपर नीचे जा रही थी कहा समुद्र तट सी सोर मतलब समुद्र तट पे पेबल का मतलब वो जो रॉक्स uh, का छोटा सा टुकड़ा ठीक है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है छोटा सा क्योंकि भाई गिलहरी खुद ही बहुत छोटी है तो वो छोटे छोटे ही कंकड़ पत्थर लेके जाएगी राइट तो बहुत छोटा छोटा सॉफ्ट सा टुकड़ा वो अपने मुंह से मुंह में भर के वो जा रही थी सीस के पास सो द लिटिल स्क्वेरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट अ टाइम इन हिज स्मॉल माउथ यस क्योंकि उसका भाई मुंह बहुत छोटा सा था तो वो एक टाइम पे एक ही छोटे से पेबल वही स्मॉल रॉक ओके पेबल का मतलब स्मॉल रॉक ओके जो कि बहुत सॉफ्ट है चिकनी सी है सो so, उसको एक ही बार में वो छोटा सा टुकड़ा लेकर के जा रही थी सो ही कैरीड पेबल्स फ्रॉम द सी सोर एंड ड्रॉप देम इन टू द सी यस और वो यही समुद्र किनारे से लेके उठा करके जा रही थी और उसको Uh, समुद्र में वो फेंक दे रही थी अ ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग हैवी स्टोन अब भाई वानर भी लगे हैं काम पे तो वानर क्या कर रहे हैं जो भारी भरकम सा स्टोन पत्थर है उसको लेके जा रहे हैं तो एक मंकी था वो भारी सा पत्थर लेके जा रहा था तो वो जो स्क्वेरल थे उनके बीच में आ गए गिलहरी उनके बीच में आ गया द मंकी जम्प्ट बैक और फिर मंकी थोड़ा पीछे की तरफ हो क्योंकि अचानक से इतना भारी वो पत्थर लेके आ रहा है सामने से कोई आ जाएगा तो वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा राइट है यू लिल थिंग तो उसने शाउट किया वो जो मंकी था वो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि तुम मेरे बीच रास्ते में आ रही हो देख नहीं रही हूँ कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसने बोला है hey, तुम क्या बीच में आ रही हो मेरे सो शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर बहुत तेजी से उसने चिल्लाया ले जा रहा था समुद्र किनारे तो तुम मेरे बीच रास्ते आ रही हो आई स्टेप बैक मैंने अपना कदम पीछे लिया अगर मैं पीछे नहीं लेता तो तुम मेरे कदमों के नीचे आकर के कुचल जाती तो तुम आज जो तुम्हारी जान बची है तुम जो जिंदा हो यू आर लाइव नाउ तुम जो आज जिंदा हो ये इसी मेहरबानी की वजह से है क्योंकि मैंने अपना कदम पीछे ले लिया ओके बट आई नियरली फेल बट इसकी वजह से मैंने अपना बैलेंस लूज कर लिया और मैं गिरने वाला था एंड वॉट आर यू डूइंग उसने पूछा तुम यहां पे क्या कर रही हो वॉट आर यू डूइंग स्क्वेयर लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी यस इतना बड़ा सा मंकी था तो वो छोटी सी बेचारी ये लह रही उसने फिर ऐसे ऊपर देखा मंकी की तरफ अच्छा आप बोल रहे हो कुछ आई एम सॉरी यू नियरली फेल ब्रादर मंकी तो फिर स्क्वेडल ने बोला बहुत प्यार से बोला आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना मेरी वजह से आप गिरने वाले थे ही सैड इन हिज स्मॉल वाइज बट प्लीज ऑलवेज लुक वेर यू आर गोइंग आई एम हेल्पिंग राम टू बिल्ड द ब्रिज यस तो उसने सॉरी तो बोल लिया उस गिलहरी ने कि मेरी वजह से आप गिरने वाले थे आई एम रियली सॉरी बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से बोला बट उन्होंने ये भी बोला कि प्लीज़ आपको नीचे भी देख के चलना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हो आपको देख के चलना चाहिए मेरी अकेले की थोड़ी फॉल्ट है हम तो हेल्प कर रहे हैं राम को क्योंकि मुझे ये जो ब्रिज बन रहा है इसमें हेल्प करना है मुझे राम को एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ट फॉर हिम यस और मुझे राम के लिए कड़ी मेहनत करनी है कौन बोल रहा है ये जो गिलहरी है उसने बोला किनसे बोला वो जो मंकी था जिसके रास्ते में वो आ गई थी उनसे बोला कि मुझे उनके लिए बहुत हार्ड वर्क करना है बहुत मेहनत करनी है ओके यू वॉट शाउटेड द मंकी एंड लाफ्ट अलाउड अब मंकी ने जो बंदर था उसने ये सुन करके उसको बहुत हंसी आई कि तुम यू तुम सच्ची में तुम करोगी डिट यू है आदर मंकी और वो जो मंकी था वो जो वानर था उसने अपने जो आ, पास में और जो मंकीज थे जो साथी थे उनसे बोला गिलहरी कि कि ने बोला हमसे तुमने सुना द स्क्ल इज बिल्डिंग अ ब्रिज विथ हिस्स पबल्स हो डियर हो डियर आई नेवर हर्ड अ फनी स्टोरी द आदर मंकी टू यस तो जो मंकी था उसने ये बोला कि जो स्क्वेरल जो गिलहरी है ये एक ब्रिज बना रही है वो भी ये छोटे छोटे पत्थरों से बना रही है कहाँ एक समुद्र और ये छोटा सा पत्थर राइट right? तो ओ डियर ओ माई गॉड मतलब ये तुम क्या कर रही हो मैंने इससे फनी स्टोरी उससे मजाकिया किस्सा सुना ही नहीं है ओके okay? सो so, बाकी के जो मंकीस थे वो भी हंसने लगे उस गिलहरी पे सो द स्क्रल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल बट वो जो गिलहरी थी उसको इसमें कुछ मजा नहीं आया उसको नहीं लगा कि ये कोई मजाक की बात है क्योंकि वो तो भाई अपना हार्डवर्क अपनी पूरी शिद्दत के साथ पूरी लगन के साथ उस काम को कर रही थी ही सेड लुक आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक फिर उस गिलहरी ने बोला देखो मैं पहाड़ों को या फिर बड़े बड़े पत्थरों को नहीं कैरी कर सकती हूँ गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ यस भगवान ने मुझे थोड़ी सी ही ताकत दी हुई है स्ट्रेंथ का मतलब ताकत ओके okay? तो भगवान ने मुझे थोड़ी सी ही ताकत दी हुई है आई कैन ओनली कैरी पेबल्स यस और uh, मैं सिर्फ ये जो छोटे पत्थर हैं उन्हीं को कैरी कर सकती हूं माई हार्ट क्राइज आउट फॉर राम एंड आई डू ऑल आई कैन फॉर हिम यस मेरा जो दिल है मेरा हृदय है वो राम के लिए रोता है मुझे बहुत यू you नो know, बुरा लगता है राम के साथ जो हुआ एंड इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ ओके सो द मंकीज सेड डोंट बी फुलिश जो वहाँ पे बंदर थे जो वानर थे उन्होंने बोला डोंट बी फुलिश बेवकूफी मत करो ओके डू यू थिंक यू कैन हेल्प राम और उन्होंने बोला डू यू थिंक तुम्हें लगता है कि तुम राम की हेल्प कर सकती हो डू यू थिंक वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद पबल तुम्हें लगता है कि जो छोटे छोटे पत्थर हैं क्या इनसे हम ये जो ब्रिज है ये फॉर्म कर सकते हैं ही हैज़ अ बिग आ मीन टू हेल्प हिम गो होम एंड डोंट गेट इन आर वे फिर उसने बोला मंकी ने बोला उस गिलहरी से कि राम के पास ये बहुत बड़ी आर्मी है एक बड़ी वानर सेना है जो उसकी हेल्प कर रही है हेल्प का मतलब मदद कर रही है गो होम गो होम घर जाओ एंड डोंट गेट इन आर वे घर जाओ और हमारे रास्ते में मत आओ तुम बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू सेट द स्क्र एंड वुड नॉट गो बट वो जो गिलहरी थी उन्होंने उन वंदरों से बोला वानरों से बोला बट आई वॉन्ट टू हेल्प मुझे हेल्प करनी है अब देखो यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू हेल्प टू टू का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मैं भी ओके okay? इस टू का मतलब आता है भी ओके okay? मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ मतलब तुम तो मंकी तो कर ही रहे हो है ना आप लोग करो बट मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ राम की ओके okay? और फिर वो नहीं गए ही कैरीड द पबल्स अगेन फ्रॉम दौर टू सी और फिर वो अपने वही काम में जो गिलहरा गिलहरी है वो लग गई अपने काम में ओके okay? uh, वही कि वो जो छोटे पत्थर है उसको उठाती थी समुद्र तट से और जाती थी सी uh, के पास uh, समुद्र के पास सो द मंकीज वर एंग्री एंड वन ऑफ देम up अप द by बाय tail एंड थ्रू हिम फार अवे Yes. सो so, ये जो देखा जब मंकीज ने कि ये हमारे एक वार्निंग के बाद भी नहीं रुक रही है। गिलहरी को तो रुक जाना चाहिए बट वो नहीं रुक रही है वो अपना काम जो है वो कंटिन्यूसली कर रही है तो उसको बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में एक मंकी ने क्या किया कि अपनी टेल से टेल का मतलब पूछ ओके अपनी पूछ से उसने उस जो गिलहरी थी उसको ऐसे यू नो you know, दूर कहीं फेंक दिया थ्रू इट अवे दूर कहीं फेंक दिया द स्क्म ऑफ राम फेल इन टू हिस्स अब स्कल जो थी वो जो गिलहरी थी वो रोने लगी क्राइंग मतलब रोने लगी और राम 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 बार बार उनका नाम पुकारने लगी ठीक है और फेल इन टू हिज हैंड और राम के हाथों में जाके गिर गई सो देन राम हेल्ड द स्क्वेरल क्लोज टू हिम फिर जो राम थे उन्होंने स्क्वेल जो गिलहरी उसको अपने ऐसे पास ले आए ही to टू monkeys और राम ने मंकी जो वानर थे उनसे बोला कि डू नॉट मेक fun ऑफ द वीक एंड द स्मॉल yes उन्होंने बोला खबरदार से जो कमजोर है समझ रहे जो कमजोर है जो छोटा है उसका मजाक नहीं उड़ाइए फन का मतलब मजाक उड़ाना यू योर स्ट्रेंथ और वॉट यू डू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी क्या शक्ति है क्या ताकत है ये इम्पोर्टेंट नहीं है वॉट मैटर इज योर लव मैटर क्या करता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है इज़ योर लव तुम्हारा जो प्यार है मेरे प्रति वो ज़रूरी है तुम्हारे पास कितनी ताकत है कितनी शक्ति है कितनी क्षमता है ये जरूरी नहीं है दिस लिटल स्क्वेल हैज लव इन हिज हार्ट और ये जो छोटी सी ये जो गिलहरी आप देख रहे हो उसके अंदर बहुत अपार प्यार है मेरे लिए ओके ही देन हेल्थ दिसक्वेल क्लोज टू हिम एंड सेड फिर उन्होंने वो जो गिलहरी थी अपने पास उन्होंने ऐसे ला करके उनसे बोला लिटल वन योर लव टच इज माई हार्ट तो उन्होंने बोला उनसे कि आपने ये जो प्यार है आपका ये जो मेरे प्रति इसने मेरे दिल को छू लिया है ही सेड दीज वर्ड्स एंड पास हिज फिंगर fingers gently over the little squirrel's back. Yes, or और uh, जैसे होता नहीं है कि आप किसी को शाबाशी देते हो तो आप उसकी बैक पे ऐसे टैप करते हो शाबाश राइट उसी तरह से जो uh, हमारे जो राम जी थे उन्होंने क्या किया उस गिलहरी के जो बैक है उसकी जो uh, बॉडी है उसको ऐसे हल्के से सहराया धीरे धीरे अपनी उंगलियों से ओके okay? उसको सहलाया एंड वेन ही पुट हिम डाउन देअ व थ्री वाइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बैक और फिर जब उन्होंने सहलाने के बाद उसको रखा फिर उन्होंने देखा कि उसकी जो बैक है उसमें तीन सफेद धारियाँ स्ट्रिप्स मतलब ये धारियाँ उसकी बॉडी में तीन सफेद धारियाँ हो गई दीज व दार्क्स ऑफ लॉर्ड राम्स फिंगर और ये कहा जाता है कि ये जो तीन धारियाँ हैं ये राम जी की ये जो फिंगर्स हैं जो उन्होंने इस तरह से उसको सहलाया उसी का मार्क है उसी की निशानी है सो फ्रॉम देन ऑन द स्क्रल कैरीज द लिटल वाइड स्ट्रिप्स ऑन हिज बैक और तब से लेकर के आज तक हम देखते हैं जो हमारी गिलैरियाँ हैं उनमें ये तीन धारियाँ होती हैं उनकी बात पर राइट तो ये जो धारी है इसके पीछे की स्टोरी यही थी सो so यस yes, ये एक टेल है जो हमने रामायण से ली जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया सो so ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है ओके okay? सो so इससे हमें क्या लेसन मिलता है एक्चुअली क्या शिक्षा मिलती है ये इम्पोर्टेंट है तो so सबसे ज़रूरी ये कि कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अगर कोई आपसे कमज़ोर है ठीक है चाहे वो देखने में स्मॉल हो या फिर उसकी स्ट्रेंथ आपसे कम हो बट आपको उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए ठीक है वो अगर एक आपकी टीम में हैं और वो अपना हार्डवर्क अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं राइट तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि आपको उसका मजाक उड़ाना चाहिए जैसे जो मंकीज थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाएगी लहरी का बट जो राम थे उन्होंने बोला नहीं ठीक है आपकी स्ट्रेंथ जो है वो मैटर नहीं करता आप किस इंटेंशन से कर रहे हो वो मैटर करता है राइट तो ये हमें लेसन मिलता है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अपने से कमजोर का अपने से छोटों का क्लियर है सो so, ये जो स्टोरी थी ये यहीं हम खत्म करते हैं आई होप आपको क्लियर है इन केस ऑफ एनी क्वेरी एनी डाउट जस्ट कमेंट डाउन बिलो एल सी टू इट एंड यस For any other inquiry, uh, just call on this number or you can visit the website. Okay. Till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.